कैसी तैयारी है आप लोगों की इस समय की? देखिए, समाजवादी पार्टी की तैयारी है और आज हम 15 दिन से बराबर घूम रहे हैं क्षेत्र में। बीजेपी की सरकार ने गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। जनता मन बनाए बैठी है कि परिवर्तन करेंगे और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने वाला है। चूंकि आप ददवा के बेटे हैं, ऐसे में जब आप इलाके में जाते हैं तो क्या लोग डर जाते हैं आपसे और इसलिए वोट करते हैं, या लग रहा है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, कामकाज के हिसाब से आपको वोट मिलेगा? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग वोटर को हमसे कोई डरता नहीं है। जनता का मोहब्बत है, प्यार है, हम जहां भी जाते हैं जनता का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ उमड़ता है। यहां से निकले और हम पहुंचे राज्य मंत्री चंद्रिका उपाध्याय के पास, जो चित्रकूट से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। हमने उनसे सवाल किया कि चित्रकूट के घाट गंदे क्यों हैं, मंदाकिनी मैली क्यों है। जवाब सुनिए। चित्रकूट धाम में मंदाकिनी नदी के किनारे बहुत गंदगी है, उसको लेकर कोई कामकाज नहीं दिखाई दे रहा है। चित्रकूट में मंदाकिनी के किनारे काफी निर्माण कार्य हुए हैं, फुटओवर ब्रिज भी बना है और वहाँ पर लेजर शो भी बना है, और हो सकता है कि सफाई की कोई कमी किसी कारणों से रही हो, अन्यथा वहाँ घाटों को आपने देखा होगा, सब पक्के घाट बन गए हैं, फ्लड लाइट लग गई है और रात को बहुत ही सुंदर लगता है। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उसको भी ठीक किया जाए। सर, क्या स्थिति है इस बार की आपकी? चुनाव की स्थिति भाजपा के अनुकूल है। माननीय योगी जी महाराज द्वारा जो काम किए गए हैं, विशेष करके चित्रकूट क्षेत्र में, जनता उनके कामों से बहुत प्रसन्न है और पुनः यहाँ से एक कमल उनको भेजना चाहेगी। कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं? मुख्य रूप से 4-5 मुद्दे हैं। यहाँ 10 प्रभावित एरिया हुआ करता था, ये अब ये 10 विहीन हो गया है। अब आगे भी 10 न बनने पाए या 10 बने तो उनका निदान हो सके, एक तो ये मुद्दा है। जिन गांवों में भी रोड नहीं बन पाई है, उन गांवों में रोड बनाने का काम पूरा करेंगे। दावे तो दावे, मगर आपको बताते चले, चित्रकूट धाम मंडल का सियासी मिजाज 2017 में ऐसा बदला कि इससे पहले महज 2 सीटों पर जीती भाजपा ने यहां के सभी 10 सीटों पर भगवा परचम फहरा दिया। चित्रकूट के आम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जरा इनसे जान लेते हैं राजनीति में क्या चल रहा है, कौन है आगे? यहां समाजवादी पार्टी अनिल प्रधान का बहुत जोर शोर से चुनाव चल रहा है। अनिल प्रधान बनेंगे विधायक? यहाँ चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी ने, जिन्होंने 5 साल में इतना काम किया है, ये जो सड़क दिख रही है, ये समाजवादी काल में ये नहीं था कि गड्ढे में सड़क है कि गड्ढा सड़क में है। अच्छा, सही, चंद्रिका जी काम करते हैं। चंद्रिका जी जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत से 300 के पार जाएंगे। 300 के पार जाएगी। यहाँ चित्रकूट का क्या हाल होगा? नहीं, सपा जीतेगी। सपा जीतेगी जी, हाँ सपा। ये कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत काम किए हैं चंद्रिका जी? सभी लोग कहते हैं, सभी लोग तो कहते हैं अच्छा विकास हुआ, सबका विनाश हुआ। सबका विनाश हुआ, विकास नहीं हुआ। बताइए क्या बोल रहे हैं? गाँव में रोडों की हालत बहुत खराब है। मेन रोड तो राज्य सरकार बनाई है, लेकिन गाँव में रोडों की हालत बहुत खराब है। चंद्रिका जी निकलते हैं तो ऐसे पेपर रोड करके निकलते हैं। इस समय जो बीजेपी है, बीजेपी का रवैया ठीक नहीं है। सब कुछ बेच रहे हैं, चाहे ट्रेन हो, एयरपोर्ट हो, सारी चीजें बेच रहे हैं।